अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वैसे स्टूडेंट जो इस बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं, चाहे वो स्कूल का हो या यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम का हो, अगर इन केस उनसे गलती हो गया है फॉर्म फिल करने में तो वो करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपका फॉर्म सही फिल किए हैं तो फिर आपको करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कि करेक्शन में हर स्टूडेंट्स के आई डी पे करेक्शन का शो कर रहा है, ऐसा नहीं कि जिसके गलती हो उसके पे शो कर रहा है, हर स्टूडेंट के पास ऑप्शन आ रहा है करेक्शन करने का। तो वही है कि अगर आपने गलती किया तो करेक्शन कर लीजिए, नहीं हुआ तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हल्का सा स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये नोटिस रिगार्डिंग दिख जाएगा, करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म 2122, इसको डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस दिख जाएगा, यहाँ पे इस लिंक के थ्रू आपको करेक्शन करना है और जो भी डिटेल है वो करेक्शन करना। लेकिन ये भी आज आपको बता दें कि इनरोलमेंट नंबर जो है उन स्टूडेंट्स को डालना है जो ऑलरेडी एमयू के इंटरनल स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए एक्सटर्नल स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है। वही करेक्शन करने का जो लिंक है वो यहाँ पे है, इस तरीके से करेक्शन विंडो, इस पर सिंपल क्लिक कर लेंगे। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस दिख जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद सिंपल अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे कर लेंगे जैसे ही तो आपको करेक्शन का सेक्शन शो कर जाएगा, उस पर जाएंगे, उसके बाद फिर आपको करेक्शन हो जाएगा बड़े, मतलब आप कर सकते हैं आराम से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एमयू को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका क्वेरीज है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से आप अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। थैंक यू।